तो आज की क्लास के अंदर जो है वो हम लोग ये देखेंगे कि डिटेल पेज यानी सर्चिंग पेज जो है वो किस तरीके से आएगा, फिर उसके अंदर थोड़ा सा हम पेजिनेशन को भी देखेंगे कि पेजिनेशन जो है वो किस तरीके से बनती है। इसके अलावा हम लोग जो है डेटा टेबल जो है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे कि डेटा टेबल जो है वो किस तरीके से बनते हैं, उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जैसे मेरी अपनी साइट के ऊपर जो है डेटा टेबल को यूज किया हुआ है, उसके अंदर यूज कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी काम कर रहे होते हैं ना उसके अंदर जो है सर्चिंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली देखिए सर्चिस पे अप्लाई नहीं कि डेटा टेबल यूज हुआ। जैसे मैं लिखूंगा ना पीएचपी, ये पीएचपी सारा इसके अंदर जो है वो सर्चिंग के अंदर, मुझे मार्च सर्च करना है, फरवरी सर्च करना, देखिए फरवरी सारा इसके अंदर आ गया, खाली मार्च वीडियो सर्च करनी है तो मैंने मार्च टाइप किया तो मार्च आ गया। तो ये ओवरऑल जो है ना वो इस क्लास से अप्लाई करना, और सर्चिंग भी हमें नहीं करना, जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ओवरऑल थीम है हमारे पास ना डेटा टेबल की, तो उसको भी हमें देखना है। तो पहले हम सिंपल सर्चिंग पेज को देखते हैं किस तरीके से अप्लाई हुआ, और देन फिर जो है ना वो इसके ऊपर हम आएंगे कि हम किस तरीके से उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम अपनी साइट के ऊपर जाए ये देखिए जरूरी है, सबसे पहले ये वाली टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन आएगी तो हम कोई आगे कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कैटेगरीज जो है ना वो यहाँ हमारे पास पॉपुलर होगी। अब नेक्स्ट वन हमें जो है दूसरा टेबल इस जगह पे चाहिए। अब ठीक है, एक टैक्स लिखा हुआ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम, तो ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये इमेजेस भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मुझे एक टेबल बनाना है, आगे चल के वो डेटा टेबल हो सकता है। तो इसको मैं इमेजेस वगैरह को ऐसे क्लीन कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, डिलीट करके देखें टेम्पलेट के ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा डिलीट करें, जगह बनाते हैं। इसमें व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम, ओके तो सर्चिंग पेज पे लगा, तो ये हमारा था पेज का नाम है आ रहा हुआ, इसका पेज का नाम है ब्लॉग लेफ्ट साइड बार, ये ऊपर पेज का नाम आया, यहाँ से किसके इसको तो ब्लॉग लेफ्ट साइड बार खुलते हैं, लेफ्ट साइड पर ये आ गया। अब इसके अंदर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम जो है ना टैक्स, उसके नीचे का टैक्स हमें सारा रीड करना है, ये आ जाता है, ये आ गया व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम। अब इसके अंदर देखिए ये है पूरी जो ना ये डिव है, ये बेसिकली फॉर्मेटेड और इस चीज से स्टार्ट की हुई है, ये हमें सब नहीं चाहिए, ठीक है इसको डिलीट कर देते हैं। ये फिगर सर पेजिनेशन से पहले पहले जितना भी पुछताना वो हमने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास ये रही है, पेजिनेशन हमारे पास आ रही है और ये आ रहा है, ठीक है तो सेव करते हैं और चला के देखते हैं। डिवीजन है जिसकी ना डिवीजन हमें उसको नजर आ रही है, तो ये आप ये देख रहे हैं कि सिंपल सा भी पेजिनेशन जो है ना वो हमें नजर आ रही है। तो डिव में बहुत सारे सेक्शंस उन्होंने बनाए हुए हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमने पहले ना एक बनाया हुआ था, काम किया हुआ था कि हमने ना सर्चिंग पेज पहले से डिजाइन किया था, मैं दोबारा नहीं करने वाला हूँ, लेस एक्टिविटी है। तो सर्च के ऊपर जाते हैं तो ये जो टेबल है जो हमने वहां यूज किया था या कॉपी पेस्ट करो, सर्च के ऊपर जाऊंगा, इसके अंदर देखिए ये डेटाबेस कनेक्शन वगैरह बनाया हुआ है, इनपुट लिया हुआ है, ये सारा मैं एज इट इज यूज कर लेता हूँ, ये तो नो हाउ हो गई है। यहाँ से इसको कॉपी किया मैंने कंट्रोल सी और उसको हम जो है ना ब्लॉग लेफ्ट साइड बार के टॉप पे, अब यहाँ से मेरा डीबी कनेक्शन यूज हुआ है तो इसको हटा के हम यहाँ यूज कर लेंगे, ठीक है जी, क्लियर है। तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सिंपल, और पहले हमने जगह बनाई, जवाब ही नहीं आया।
अच्छा नेक्स्ट जो है ना हम इस पे गए सर्चिंग के ऊपर, देखिए हमने टेबल बनाया था ना सर्चिंग प्रोडक्ट, टेबल में दोबारा थोड़ी बनाऊंगा, मैं करता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी इसको, मैंने यहाँ पर जो हमारी पिजिनेशन रखी थी क्योंकि वो डायनेमिक करनी है ना, बाकी जो चीजें हैं एड्रेस रखी यहाँ इसको पेजिनेशन के ऊपर जो है ना पेस्ट कंट्रोल वी, ठीक है ये टेबल एड्रेस हमने यहाँ कॉपी पेस्ट सेव करके चला के देखते हैं, यानी वो चीज जो हमने विदाउट टेम्पलेट की थी यहाँ टेम्पलेट में आपको नजर आ रही है सारा इसके अंदर। अब मैं चाह रहा हूँ सर्चिंग की वो भी परफॉर्म हो जाए, यानी यहाँ पर हम कोई भी कीवर्ड लिखे सर्च का बटन प्रेस करें तो वो भी सर्च हो जाए। तो सर्चिंग का थ्रू तो मैकेनिज्म देखते हैं, सर्चिंग मैकेनिज्म के अंदर मैंने आपको बताया था जैसे इनपुट लेने की शब्द, पहली शर्त यह है कि जो हमारा फॉर्म बना हुआ है, देखिए फॉर्म भी इन्होंने बना के दिया हुआ है हमारा फॉर्म, अब इन्होंने मेथड पोस्ट दिया हुआ है आप उसको गेट कर सकते हैं, यानी जो टैग है इसका सारा डिलीट कर दे तो खाली आपका फॉर्म रह जाएगा। अब इसके अंदर आपके पास इनपुट जो है टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसकी टाइप आ गई, ठीक है अब जब हम इसको सबमिट करेंगे तो इसकी वैल्यू जाएगी, तो वैल्यू उस वक्त जाएगी जब इसको नेम देंगे, तो इन्होंने टेक्स्ट बॉक्स में यानी टेम्पलेट बना हुआ फील्ड बनी हुई है, इन्होंने नेम नहीं असाइन किया, तो नेम भी तो इनपुट नहीं आएगा, तो नेम नहीं, तो नेम इज इक्वल टू हमने इसको नेम ही दिया था, तो ये बस काफी सर्चिंग हो जाएगी। अब ये नेम ऑलरेडी ऊपर जो है हमें रिसीव हो रहा है, मैंने यहाँ रिसीव कर लिया, उसको चला चला के देखते हैं वर्किंग कर रहा होगा। मुझे लग रहा है बहुत सारे इलाकों में ना लोड शेडिंग चल रही है, जब ये जरा स्ट्रेंथ इतनी कम है, चला के देखते हैं इसको। यहाँ हमारे पास कैटेगरी के अंदर आप जैसे कोई भी लिखते हैं, लेट सपोज मैंने यहाँ लिखा 1969 फ्रेश हो गया 1969 क्या, इसी तरीके से यहाँ पर कोई और कीवर्ड लिख देते हैं, फैल्कन लिख देते हैं, लेकिन अभी ये स्टिल इसमें एक सबमिट का बटन प्रेस करना पड़ रहा है, और दूसरा ये है ये एसिंक्रोनाइज भी नहीं आ रहा, पूरा टेबल भी नहीं आ रहा, तो इसमें हम डेटा टेबल को यूज करेंगे जैसे मैंने अपनी साइट के ऊपर यूज किया। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब मैं कैटेगरी पे यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये तब भी तो सर्चिंग आनी चाहिए, तो ये हमारी ओवरऑल थीम रहेगी, चाहे जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि हमारे पास तीन मेजर कोर्सेस हैं जो हमें पढ़ रहे हैं, इसमें पीएचपी सबसे आसान है समझ में, इसमें से आना सबसे ज्यादा जरूरी है, सेकंड वन कोडिंग लेटर एमवीसी फ्रेमवर्क, एमवीसी इस वजह करवा रहे हैं उसके बाद का जो है रिएक्ट उस पर डिपेंडेंट, यानी आपने एमवीसी में काम करना सीख लिया तो आपको रिएक्ट भी आ जाएगा, रिएक्ट में भी इसी तरीके से, और तीनों में हम टेम्पलेट बेस्ड वर्किंग करवाएंगे, ठीक है तो रिएक्ट टेम्पलेटर से अलग होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपको यही करना होगा कि आपको जो टेम्पलेट के अंदर जिस तरीके से है उस तरीके से बना के दिखाना है, फंक्शनैलिटी उसके अंदर डालनी होती है, फंक्शनैलिटी वाला काम जो है वो हम लोग कर रहे हैं जैसे हम यहाँ कर रहे हैं। अब फंक्शनैलिटी यहाँ पर ये है कि जब मैं शिफ्ट पे क्लिक करूं तो यहाँ पर शिफ्ट सर्च हो, क्योंकि अभी नहीं सर्च हो रहा तो क्या करेंगे, देखिए हमारे पास इनपुट है ना दो तरीके से होता है, इनपुट ये ना कि यहाँ पर मैं कोई भी कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ और मैं सबमिट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये ऊपर इनपुट सेंड होता है,
क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू दिस। यही चीज जो है ना, जब हम एंकर का टैग यूज करते हैं, अभी हमने डिटेल में किया भी था लास्ट टाइम, इसकी डिटेल जा रही थी, ये डिटेल आ रही है, अभी भी आ रही है, तो उसके अंदर हमने ये इनपुट खुद से प्रोड्यूस किया था, हमने लगाया था। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर भी करने वाले हैं कैटेगरीज के साथ। तो आप क्या करेंगे, इसमें आ जाते हैं कैटेगरी के पास, ये कैटेगरी तो लास्ट टाइम पॉपुलेट कर दी थी, इसके अंदर जस्ट हमें ये इनपुट जो है वो नहीं आ रहा था। तो इस इनपुट को परफॉर्म करने के लिए हम एंकर टैग के ऊपर जाएंगे और सबसे पहले आपको पेज का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे हमारे पेज का नाम है यहाँ पर ब्लॉग लेफ्ट साइड बार डॉट पीएचपी, और मुझे जो इनपुट जनरेट करना है वो किस नाम से करना है, टैग नाम से करना है, कैटेगरी के नाम से आएगा, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो कैटेगरी का खुद नाम है, वो नाम भी मेरे पास डॉलर रॉ जीरो में आ रहा है, तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे। यहां से कॉपी होगा कंट्रोल सी, कैटेगरी जो है ना वो हमारे पास इस तरीके से तो सेव करते हैं और चला के देखते हैं ये भी सर्चिंग में आ रहा होगा, तो गेट नाम से हमने उसको सेव किया, ये वाला काम भी हमारे पास। जैसे अच्छा अभी तो इसको दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा, अब शिप्स मैंने सर्च की देंगे, शिप्स ऊपर इनपुट आ गई, उसको मैंने रिसीव कर लिया, डिटेल आ गई, फिर ट्रेन्स मैंने सर्च की तो ट्रेन्स भी मेरे पास आ गई, प्लेन्स मैंने सर्च की तो ये प्लेन्स गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ठीक जिसमें ये है कि मैं जैसे बार बार आपसे कह रहा हूँ यार, ये मुझे जरूर समझाना, क्योंकि पीएचपी मतलब बेसिक चीज है ना यार, अभी आप अगर पीएचपी में टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते तो फिर हम आगे कैसे पढ़ेंगे। इस वजह से मैं ज्यादा पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि भाई ये समझ में आया नहीं आया, वरना तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके अगर मुझे वेबसाइट के ऊपर डालनी है तो बगैर पूछे मैं डाल दूंगा, ठीक है, उसका फायदा नहीं है ना। क्लास का मतलब ही ये होता है कि हम बार बार इंटरेक्ट करते रहे, कोई चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही, उसको हम स्टॉप कर दें, क्वेश्चन है उसको रेस करें, आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट चीज है मेरे पास वो है पेजिनेशन। अभी अगर हम इसे सर्चिंग अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज अभी तो रिकॉर्ड नहीं है ना, जितने भी रिकॉर्ड थे उस डेटाबेस के अंदर सारे उठ के आ गए, क्योंकि तरीका थोड़ी है 1 लाख रिकॉर्ड है 1 लाख उठ के आ जाएंगे, गलत है ना, डेटाबेस बढ़ जाएगी, एक कोड रिकॉर्ड एक कोड पे फेचिंग चलेगी वो डेटाबेस ही बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें ये होना चाहिए मैक्सिमम जो है 30 रिकॉर्ड आपके पास, उसके बाद फिर नीचे पेजिनेशन बनी हुई है हमारे पास, तो पेजिनेशन जो है ना उसके लिहाज से परफॉर्म हो जाएगा। अब जिस पेज नंबर पे हम क्लिक करें वो तो अभी तक जो हमने पढ़ा था ना ये सब, यानी मेरे टेक्स्ट फील्ड के अंदर कोई चीज दी सर्चिंग हो गई या ना कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया तो ये सर्चिंग हो गई, ये तो पढ़ा है पुराना, तो नया नहीं पढ़ा। अब हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है पेजिनेशन, तो हमने पहले आपको पढ़ाया था, यानी पेजिनेशन एसक्यूएल में मैंने तुझे पढ़ाई थी, उसको भी हम यहाँ देखेंगे फर्दर किस तरीके से अप्लाई करें। एक चीज तो है जो कि हमने देखी थी, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही मैं आपको कोऑर्डिनेटर पे पढ़ाऊंगा, फिर वहां फ्रेमवर्क में हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे, इसी तरीके से हो सकता है स्कूफ के ऊपर ही लेके चले,
ठीक है, बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट है, उसको कोई फर्क नहीं। हाँ, रिएक्ट के अंदर ये है, वहाँ पर टेम्पलेट चेंज करना पड़ेगा, वो तो बने बनाए टेम्पलेट है, वो नहीं यूज करो, उसका आर्किटेक्चर भी अलग है, सर्वर साइड में नोड डॉट जेएस भी क्रिएट होती है, फिर उसके बाद जो है कोई आप एक्सप्रेस सर्वर वगैरह यूज करेंगे जेएसएन के लिए, फिर उसको यूज करेंगे, वो थोड़ा आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा, लेकिन वो टेम्पलेट पे होगा, तो उसमें भी और कुछ ही होगी, ये सर्चिंग पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, लॉग इन और दूसरी चीजें उसके अंदर कवर करवाए, तो वो आपके पास एक थीम जो हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं उसी तरीके से इन चीजों को। अच्छा जी, आ जाते हैं पेजिनेशन की तरफ। तो पेजिनेशन में इन टॉपिक पहले पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि मैं उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। डीबी तो प्रोडक्ट्स, तो इसके अंदर हमने लगाई थी लिमिट, सेट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर लिमिट। लिमिट के अंदर पहली जो चीज मैंने बताई थी वो बताई थी आपको ऑफसेट यानी स्टार्टिंग पोजीशन, और दूसरा मैंने आपको बताया था पेज साइज। लेट्स सपोज मैंने 30 रिकॉर्ड रखे हुए, तो पेज साइज जो है ना हमारे पास क्या है, वो 30 रिकॉर्ड इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ सर्चिंग जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लिमिट का मतलब ये है, इसको मैं क्यूरी करता हूँ 30 रिकॉर्ड आ चाहिए, अब नेक्स्ट 30 रिकॉर्ड अगर मुझे सर्च करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके ऑफसेट पोजीशन जो है ना वो चेंज करूंगा, और यहाँ पर हम उसको देंगे लिमिट, और उसके अंदर मैंने दे दिया 30, 30, यानी नेक्स्ट 30 रिकॉर्ड आ जाएंगे, क्योंकि उसका पहले का जो ऑफसेट होगा ना वो 30 तक होगा, फिर उसके बाद जो है ना 29 तक होगा, फिर उसके बाद जो स्टार्टिंग पोजीशन बनेगी रिकॉर्ड की वो 30 बनेगी, फिर उसके बाद जो स्टार्टिंग पोजीशन बनेगी वो आपके पास 30 के बाद 60 बनेगी, ठीक है, फिर उसके बाद 90 बनेगी, इस तरीके से बनेगी, तो ये हमें ऑटोमेटिकली करना है, वो पेजेशन अप्लाई करना। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये मालूम करना पड़ेगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, तो ये मालूम करने की जो क्यूरी है मेरे पास वो क्या है, वो ये है सिलेक्ट काउंट स्टैरिक। एसक्यूएल बड़ी इंपॉर्टेंट है, काउंट स्टैरिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो ये आपको ये बता देगा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, ठीक है। तो मेरे पास 118 रिकॉर्ड है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरा जो पेज साइज है वो 30 है, ठीक है, पेज साइज कितना है, एक पेज पे 30 रिकॉर्ड आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे ये कौन बताएगा, और कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है मेरे पास हाँ भाई, मैं ये कह रहा था कि मुझे ये मालूम करना है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कैलकुलेट करने, पेज साइज है 30, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड है 118, 9 से हमने बताया 4, सही बताया भाई, 118 को 4 से 30 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो मेरे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे। तो सिंपल सा सिंपल एक मिनट यार, फोन आ रहा है, तो मैं अटेंड कर लूँ।
तो ये हम मालूम कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो है ना ये कैलकुलेशन, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि आप जाए एसक्यूएल पे, अकाउंट इज डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय 30, 30 तो मुझे पता है ना, तो मैं कैलकुलेट बताऊंगा कि मेरे पास पेज साइज कितना है। तो ये आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये बता देंगे 3.99, इसको राउंड कर देंगे, तो राउंड करके जब आपके पास फिगर आ जाएगी 4। तो हम जो लूप चलाएंगे यानी वहां जो नीचे नंबर ऑफ पेजेस है वो कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ से, तो मेरे पास जनरल टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे 4। तो वहां पर हम एक लूप चला देंगे फॉर का लूप भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ किस तरीके से बनाते हैं, तो वो हम उस स्टाइल के ऊपर एचटीएमएल का स्टाइल है ना उसके ऊपर चला, ये जरा काम करते हैं हम देखते हैं किस तरीके से। ये जो लॉजिक है ना ये समझ में आ गई होगी सब लोगों को, पेजिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है। एक लिमिट है उसको हम यूज करेंगे, दूसरा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को किस तरीके से मालूम करते हैं, नंबर ऑफ पेजेस किस तरीके से मालूम करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, पेज साइज तो हमें पता होना चाहिए। तो हम आएंगे कोड के ऊपर और यहाँ पर सबसे पहले जो है वो चीजें इनिशियलाइज करनी है, वो हम इनिशियलाइज कर देते हैं। यानी पहली चीज है यहाँ पर पेज साइज, यानी फ्यूचर में आपको जस्ट ना पेज साइज बड़ा बताना पड़ेगा क्या है, तो डॉलर पेज साइज मेरे पास है 30, मैंने इसके अंदर फिक्स कर और पेजेस अभी कैलकुलेट करेंगे हम लोग कितने आएंगे। ठीक है, अब हम चले जाते हैं एसक्यूएल के ऊपर, तो इसकी क्यूरी हमें परफॉर्म करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉलर क्यूरी स्टेटमेंट का जो बाल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखेंगे ना, आ जाएगा मेरे पास और क्यूरी कमांड और फेच। अब इसके अंदर आप करेंगे सिलेक्ट फाउंड स्टाइल। देखिए चीजें आगे चल के सिर्फ ये होगा कि जैसे अभी मैं कर रहा हूँ यार, हर जाना मुझे 3 लाइन लिखनी पड़ती है क्यूरी कमांड फेच, और इससे मेरी जान छूट जाएगी। जब अभी हम लोग आएंगे ना कोडिंग लेटर के प्राइमेसी में तो मॉडल बना लेंगे, मॉडल के अंदर ही सारे काम कर लेते हैं, बिजनेस लॉजिक बहुत सेपरेट हो जाती है, इसको हम देखेंगे। सिलेक्ट फाउंड स्टाइल फ्रॉम प्रोडक्ट्स होगा, प्रोडक्ट्स इसके अंदर हम डिफरेंट यूज कर ले, थोड़ा सा कहीं नीचे भी यूज हो रहा है ना, तो इसमें क्यूरी सी कर दिया, और इसी तरीके से मेरा स्कोर दिया क्यूरी सी, कमांड सी, कमांड सी। अब इससे मेरे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड मालूम करना है, क्योंकि ये एक ही पोजीशन है काउंट स्टेरिंग, तो एक ही रिकॉर्ड यहाँ पर बनेगा, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड का वेरिएबल बना लेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है मेरे पास आ जाएंगे डॉलर रोम सी, टोटल नंबर ऑफ के बाद मुझे मालूम करने हैं नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस मालूम करने के लिए हम यहां दे देंगे डॉलर नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू डॉलर नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिवाइडेड बाय डॉलर नंबर ऑफ। ये आपके
नंबर ऑफ पेजेस कह दिए मैंने, पेज साइज डॉलर ये नंबर ऑफ पेजेस आ गए। अब ये नंबर ऑफ पेजेस जो है ये मुझे नीचे प्रिंट करने हैं, जहां पर वो पेजिनेशन जो है बन रही है वहां पर मुझे प्रिंट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, लूप लगा देंगे, क्लियर हमारे पास पेजिनेशन का। अब पेजिनेशन में देखें ये इसकी लॉजिक अभी हमें लिखनी है नेक्स्ट की प्रीवियस की, स्टाइल मेरे पास बना हुआ है। अब पीएचपी हम शुरू से यही पढ़ रहे हैं भाई, पीएचपी इनलाइन लैंग्वेज, इनलाइन लैंग्वेज, मुझे सिर्फ इस एक लाइन को ना प्रोग्राम करना, इसको प्रोग्राम करना, इस लाइन को। यहां पर देखिए अगर मेरे पास इस वक्त ये प्रोडक्ट के से चार पेजेस होते, अगर मैं पेज साइज में कम कर दू, 10 कर दू, तो नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे। फिर कोई सर्चिंग हम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी पेजिनेशन कम हो जाएगी, कैटेगरी वाइज सर्च के बाद पेजिनेशन कम हो जाएगी। डायनेमिक हो तो इसमें इस एक लाइन को प्रोग्राम करना है तो बाकी लाइंस को डिलीट करो, फिर उसके बाद इस एक लाइन को प्रोग्राम करने के लिए पीएचपी एंड अगेन क्वेश्चन मार्क दिस, इसको हमने यहां देखिए प्रिंट पैकेज ओपन चला के देखते, फिर उसके बाद इसको डायनेमिक करेंगे, नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट करेंगे, एक एक स्टेप करते हैं, जैसे ना स्टेप को तो पता चला ना कहां मिस्टेक आ रही है। देखिए हमारे पास लिमिट भी ना अप्लाई की ना मेरे, सॉरी पिन कोड आ गया, ये आपके पास सिर्फ फोर लिखा हुआ था, फोर तो नहीं लिखा हुआ जी, 1-4 लिखा हुआ है। इसको तरीके यहाँ फॉर कर लो, चला दो, कैसे चलाएंगे फॉर कर लो, पहले पढ़ा मैं लिखेंगे फॉर डॉलर आई इज इक्वल टू वन, वन से स्टार्ट होगा, डॉलर आई इज लेस देन इक्वल टू नंबर डॉलर आई प्लस प्लस। आपके पास जो है आई के अंदर जो है वैल्यूज आ रही होंगी वन से लेकर, अभी कहां प्रिंट करनी है, फोर की जगह प्रिंट करनी है, यहाँ कैसे देंगे डॉलर, सेव करके चला के देखो। तो देखिए आ गया 1-2-3, अच्छा ये तो फोर नहीं आया, यूजर्स का राउंड तो नहीं किया ना आपने, इसको राउंड करना था, राउंड का फंक्शन अप्लाई कर दे, ये जो आ रहा है ना मैं लिख कर रहा हूं, तो ये आपके पास राउंड हो जाएगा। तो अब नंबर ऑफ पेजेस के लिहाज से फोर का आ रहा है, अब इसके अंदर हमें करना ही है कि जिस पेज पे मैं क्लिक करूं तो वो पेज भी तो आना चाहिए ना, तो उस पेज को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ उस पैरामीटर को पास करना पड़ेगा, उस पैरामीटर को पास करने के लिए इस तरीके से हमने ऊपर काम किया था वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पर लिखेंगे एचएस के log cache left sidebar
डॉट पी एच क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू अब इस आई को मैं रिसीव कर लूंगा, ये इस पेज को मैं रिसीव कर लूंगा और उसके लिहाज से उसके प्रोसेसिंग करेंगे, उसको सेव करते हैं, चला के देखते हैं। अब मैं वन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यार पेज इक्वल टू वन, और मुझे अभी रिकॉर्ड में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, करना है मुझे इसी तरीके से। अब मैं टू लिख रहा हूँ तो ऊपर जो है यूआरएल पे आपको टू नजर आ रहा है, इसी तरीके से हम थ्री लिखेंगे तो आपको थ्री। ये समझ में आया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, मुझे तो यही डर लग रहा होता है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा पेज जनरेशन कैसे किया हमने। हाँ भाई आप एक स्टूडेंट भी काम है ना, बोलने वाले ही नहीं है। से जो है डेटा गेट करने सिखाएंगे इस चीज का व्यूज बैकअप, तो मैंने बताया था ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं एसक्यूएल का। इस चीज का बैकअप करेंगे समझे सर, व्यूज से व्यूज। हाँ व्यूज तो भी उठाएंगे ना कैटेगरी से, सही सही। अभी मैंने वो उठाया नहीं है तो सही, मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ भाई लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, चीजें तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन सारी बात ये है कि पढ़ा रहे तो फिर वो सारी चीज देखनी होती है ना, खाली मुझे साइड थोड़ी बनानी है आपसे बनवानी है, तो आप लोगों से जब बनवानी है तो फिर मुझे हर एक स्टेप को देखना पड़ता है कि भाई ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा तो नहीं हो रही, ठीक है। हालांकि चीजें है ना सिंपल है, मैं वही पढ़ा रहा हूँ कि जो बिल्कुल बेसिक में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। व्यू से डेटा भी हम गेट करवा देते हैं, चलिए वही करवा देते, तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो व्यूज वाला आसान काम कर लेते। देखिए पीएचपी माय एडमिन पे हम गए, हमारी जो डेटाबेस का नाम है वो है ecomdb, ecomdb के अंदर हमारी डेटाबेस है, ecomdb में मैं गया, इसके अंदर जो व्यू मुझे बनाना है वो बनाना है प्रोडक्ट्स के ऊपर, और इसमें हमने एसक्यूएल लिखी, एसक्यूएल ये लिखी कि यहां लिखना है सिलेक्ट प्रोडक्ट लाइंस, कॉमा काउंट स्टैटिक, यानी प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ प्रोडक्ट मालूम करनी थी ना, ये भी हम एसक्यूएल में पढ़ चुके हैं। फ्रॉम प्रोडक्ट्स, अच्छा प्रोडक्ट लाइन है ये, यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी को प्रोडक्ट लाइन दे रहा है। फिर यहां पर आएगी ग्रुप वाइज स्टेटमेंट, ग्रुप बाय प्रोडक्ट लाइन, और ये जो काउंट स्टैटिक है कॉलम एलियास देना जरूरी, क्योंकि उसको व्यू बनाना चाहूंगा ना, ये देगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट, क्यूरी हो गई मैं रन करता हूं। तो ये जैसे वो जो साइड में मेरे पास व्यू चल रहा है ना, ये उसके लिए मैं बना रहा हूं, इसके लिए बना रहा हूं, कैटेगरीज आ रही है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ रही है, तो इसके लिए हम इसको जो है वो डिजाइन कर रहे हैं कि वो किस तरीके से होगा। अच्छा अब इसको व्यू क्रिएट करने के लिए हम नीचे चले जाएंगे इसकी में, क्रिएट व्यू,
और इसको हमने व्यू का नाम दे दिया यहाँ कैटेगरी। कैटेगरी नाम से व्यू नहीं है ना, यहाँ पास हो गया कैटेगरी। कैटेगरी हमारे पास व्यू बन गया, इसको हम वो कर देते हैं। तो ये जो कैटेगरी व्यू है इसको सिंपल सी वही व्यू ही लग जाएगी जो हम पहले लगा रहे हैं। सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम कैटेगरी हो जाएगा। अब ये यूज कहां करना था मुझे, ये यूज करना था मुझे जहां सर्चिंग में अप्लाई कर रहा था। तो हम कैटेगरी के अंदर वहां पर जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थी वो मैंने शो नहीं की थी ना, वो शो करवा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर हम इसको दे देंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरी। अब जीरो पोजीशन पे तो यहाँ नेम ही है और वन पोजीशन पे यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ गई है जो कि अभी मैंने यहाँ पर 20 हार्ड कोड की हुई थी। तो अब मैं इसको चेंज कर सकता हूं और इसको मैं कर दूंगा डॉलर रॉ वन। तो सेव करता हूं, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, इसमें कुछ भी नहीं है। सेव आउट, ये देखिए अब आपको ना हर कैटेगरी के अगेंस्ट या नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो लिखी हुई नजर आ रही है। ये व्यू से आ रही है, यानी इसका कोई टेबल नहीं था इस किस्म का जिसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी सेव हो, तो ये हमें वहां से नजर आ रहा है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? ओके, अब आ जाते हैं हम अपने पेजिनेशन वाले टॉपिक की तरफ ना, थोड़ा कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास पेज नंबर जो है ना वहां से आ रहा है, पेज नाम के वेरिएबल पे आ रहा है। अब जिस तरीके से हमने इनपे किया था, इफ इस सेट का फंक्शन लगाया था, तो यही पेज पे हमें लगाना है। तो इनिशियली पेज को एक जो है वैल्यू दे देंगे जैसे हमने और जहां भी दिया डॉलर पेज इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर पेज कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा, जीरो होगा। वैसे तो ये है कि जिस पेज पे हम क्लिक करेंगे वो पेज आ जाएगा, अगर कुछ नहीं होगा तो जीरो होगा। अगर उसको मिल जाता है डेटा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको उठा लेंगे पेज से। कंट्रोल सी, यानी अगर पेज का वेरिएबल मिल रहा है तो जो भी आ रहा होगा पेज वन टू थ्री जो भी आ रहा होगा उसको पिक कर। अब उसके बाद दो चीजें देंगे, एक चीज है ऑफसेट। ऑफसेट क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन वो चेंज हो रही है मुसल से। ठीक है, पेज साइज मुझे पता है 30 है, ऑफसेट चेंज हो रहा है। ऑफसेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ऑफसेट कैलकुलेट करने का फार्मूला है डॉलर ऑफसेट इज इक्वल टू डॉलर पेज माइनस वन मल्टीप्लाई बाय पेज साइज। यस, देखिए सबसे पहले हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इसके अंदर भी ये है कि हम इसको इसमें जाएगा अगर यहां पर
कोई भी पेज नहीं होगा तो ऑफसेट होगा मेरे पास जीरो, बेसिक इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पर। अब इसके फॉर्मूले को समझते हैं। फॉर्मूला ये है कि जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहला जो पीरियड होता है उसके अंदर लगाते हैं ऑफसेट जीरो और पेज साइज होता है 30, यानी स्टार्टिंग जो है ऑफसेट क्या होता है जीरो। अब आ गया ये है पेज वन, अगर पेज वन भी होगा तब भी ऑफसेट क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। तो उसमें वन माइनस वन कितना हो जाएगा जीरो, तो दोबारा ऑफसेट क्या हो गया पेज वन पे जीरो ही होगा। पेज टू पे क्या होगा, पेज टू पे हम क्या करेंगे ऑफसेट को यानी टू को वन से माइनस कर देंगे। फार्मूला तो ये है ना, ऑफसेट पेज माइनस वन यानी पेज आ गया टू, टू में से वन को माइनस किया तो आ गया वन, वन को पेज साइज से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 30 है पेज साइज तो 30 आ गया। तो पेज अगर टू होगा तो फिर यहाँ पर वन आएगा ठीक है, और वो मल्टीप्लाई होगा 30 से तो पेज टू पे ऑफसेट पोजिशन होगी 30 ठीक है, तो ये पेज टू आ गया। इसी तरीके से जब पेज थ्री होगा तो थ्री को माइनस कर दो टू से, थ्री को माइनस कर दो वन से, तो वन को माइनस किया तो क्या आ गया टू, टू मल्टीप्लाई बाई पेज साइज यानी 30, तो हमारे पास टू मल्टीप्लाई बाई 30 × 60 हो गया। तो हमारे पास जो लिमिट का फॉर्मूला बना वो क्या बना, लिमिट 60, 30, ये पेज थ्री का फॉर्मूला। इस तरीके से ये सो ऑन जो है चलता रहेगा। ये समझ में आया ऑफसेट कैसे कैलकुलेट हो रहा है? इसके समझ में नहीं आया वो बताएं। देखिए आप लोगों पे भारी जिम्मेदारी है क्योंकि आज लोग एब्सेंट है, तो आप लोगों के क्वेश्चंस की वजह से उनका भला हो जाएगा। ठीक, अब फॉर्मूले से कैलकुलेट करो। अब दो चीजें हमें चाहिए लिमिट के अंदर, ऑफसेट और पेज साइज, तो ये हम अप्लाई कर देंगे। अब ये समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं करना, हमें नीचे जाके ना लिमिट का एक फंक्शन लगा देंगे उसमें टेबल में और वहां लिख देंगे ऑफसेट कॉमा पेज साइज, यहाँ आ जाएगा लिमिट डॉलर ऑफसेट कॉमा डॉलर पेज साइज, अप्लाई हो गया। इसको ना इस तरीके से देंगे सिंगल कोड में अंदर चले जाने, चला लेते हैं। ठीक है, इसमें नहीं लगाएंगे तो ये आपके पास 30 रिकॉर्ड जो है ना वो आ रहे हैं। मेरे पास बड़ा आसान है इसका फार्मूला कैलकुलेट करना, मुझे कम रिकॉर्ड करने तो मैं क्या करूंगा, ऊपर चला गया मैंने कर दिया 10, ये 10 सिर्फ जो है ना पेज साइज चेंज करना पड़ेगा। आप उसका इफेक्ट क्या है, सब कुछ ना डायनेमिक, तो ये हो गया 10 रिकॉर्ड और ये देखिए पेजिनेशन खुद ब खुद बढ़ गई। अब मुझे जिस पेज को देखना है ना तो मैं उस पर क्लिक करूंगा, तीसरा पेज देखना है तो मैं, ये लास्ट पेज मुझे देखना है तो उसको मैं चला जाऊंगा।
जी, इसकी ना प्रैक्टिस करें आप लोग और फिर मुझे बताएं इसमें ये समझ में आया कि नहीं आया। रिप्लिकेशन तो आपको हर जगह मिलेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, यानी पेज ऑफसेट पेज साइज, और पेज पे डिपेंड करते हुए हम दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, आज इसको बीच तक रखेंगे। क्लियर है? नीचे क्यूरी में कोई बड़ा चेंज नहीं किया, मैंने सिंपल सा सिर्फ लिमिट लगाई और उसके अंदर ऑफसेट और पेज साइज बताया। ये चीज तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, फिर हम इसको आगे तक रखते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, और मैंने तो आप लोगों से कहा कि जैसे मैं प्रोडक्ट का सर्चिंग पेज बना रहा हूँ, आप कस्टमर का सर्चिंग पेज बनाएं या एम्प्लॉय का सर्चिंग पेज बनाएं, फिर इसका व्यू भी बनाएं, जैसे वहां पर आ रहा हूँ कंट्री वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाए या कंट्री वाइज नंबर ऑफ कस्टमर हमारे पास आ जाए, फिर जिस कंट्री पे हम क्लिक करें उसका डेटा मेरे पास आ जाए। तो ये आपको करना है, खुद से प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा। ठीक है, तो आज ये रखें और वीडियो वगैरह डाल दूंगा, एक कोड भी मैं डाल दूंगा, आप वॉच कर सकते।